So hello guys, good morning, good afternoon, hello to everyone. आज अपन लोग कहीं जा रहे हैं, वो नहीं पता, देखो कहाँ जाने का प्लान है, बट वही बात है, घर में बैठे बैठे थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, तो बस मूड बनाया कि चलो चलते हैं और अपना यहाँ चल पड़े. So yeah, we started our trip, but I forgot the bag in which we have our charger. We'll start our trip. I got my bag. Everything is clear. Now let's go. The guys here can eat back our phone. Fill up first bag, waiting for the bus. So guys, here we reach at Poma Sandra. Now we have to take another bus for reaching the Majestic. So finally we got the direct bus to the Majestic. So guys, instead of going out in the traffic, going to the Majestic, we came out here at Kolmangala. And from here we'll go to the MG Road. And from there, we'll take the metro. So guys, now we are in the Nexus Mall. देखो कैसे shopping कर रहे हैं बंदे. Restaurant में क्या आते हैं पहले? वो Facebook. बैठे बैठे बोर हो गए थे बस में, इसलिए आ गए हैं. मैं ना बैठे बैठे बोर हो गए थे बस में, इसलिए उतर गए. मूवी छोड़, पहले उधर ही चले गए, बाकी सारा सामान बाद में देखते हैं. दप्पा हाय. अरे बस में पहुंच गया ना, एमजी रोड जा रहे हैं. एमजी रोड के, एमजी रोड से मेट्रो पकड़ेंगे गबन पार्क के लिए. समझ रहे हो गाइस? सो गाइस, हियर वी रीच एट द एमजी रोड. नाउ लेट्स टेक द मेट्रो. यहां घूम लेंगे, सीधा मेट्रो लेके चलना है. हां सीधा करेंगे, बताओ कि सीधा ही चलेंगे क्या करेंगे. चलो गाइस, देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पे. फुल बढ़िया सीन चल रहा है, सब लोग आए हुए हैं दूसरे के साथ, फुल मोस्टली कपल आए हुए हैं. हम लोग यहाँ पे सिंगल हंट रहे हैं ऐसे ही अपने वाले बंदों के साथ. जाना कहाँ है? अच्छा ऊपर जाना है. सो गाइस, दिस टाइम वी ट्राइड समथिंग न्यू विद द टिकट. Exit. अरे चीन टबाक डम डम. Now we came out from the metro station. Now let's explore the Kabban Park and firstly let's see where it is. So guys, finally हम पहुंच चुके हैं Kabban Park. Basically, this park is for lovers. हेलाले, मैं कहा basically this park is for lovers, क्योंकि हर तरफ अभी तक lovers ही lovers दिख रहे हैं, couple ही couple दिख रहे हैं अपने को तो, और मतलब काफी लोग हैं, jogging कर रहे हैं, और बस अपना खेल रहे हैं. We
यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट किया है हम लोगों ने। कोई नहीं, आगे खींचे यार, बढ़िया बढ़िया फोटोज और भी जगह है, अभी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर करने को यहाँ। मतलब बाकी मेनली तो यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बस यही सब है यहाँ पे, ज्यादा कुछ तो नहीं। बाकी आगे देखते हैं जाके क्या कुछ और मिल सकता है अपने को। जैन तूने भाई लड़कियों वाले काम शुरू कर दिए है, जैन तूने भी लड़कियों वाले काम शुरू कर दिए, कुत्ता देखा नहीं और फोटो खिंचवानी शुरू। मस्त फोटो देख कैसी है वेंकी, सीधा चल ठुमके मत मार, और देख वेंकी ठुमके मार मार के चल रहा। चारों तरफ गार्ड सिटी सिटी मार रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इनको। आई थिंक पार्क बंद करने का टाइम तो नहीं कह रहे कि ये पार्क बंद कर रहे हैं। है भाई हम लोग थोड़ा लेट आए, इस वजह से यहाँ पे कुछ है नहीं और जाने का टाइम हो रहा है सब। हाँ ये फोटो खींची आएगी, ये सब हम लोग जा रहे हैं, ये लोग कह रहे चलो चलो चलो, हम फिर वहीं खड़े हैं। निकलो 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 सारे बाहर निकलो। बस छुट्टी होगी सिक्योरिटी गार्ड वाले आ रहे हैं, सीटियों में जाते हुए मान नहीं दो। 1 2 3 गाइज अभी यहाँ से कुछ बढ़िया खाना पीना हो चुका है, छोटा मोटा कचौरी खाई है और अपने भेलपुरी खाई है। So now we are moving towards again to the MG room. सुन लो भाई अपनी आ चुकी है टिकट 3 बंदों की। ये सिस्टम सही है टोकन से ना। एक मिस कम्युनिकेशन के चक्कर में जैन चला गया दूसरी ट्रेन में, मतलब पहले वाली ट्रेन में ही, इतने में उसके डोर क्लोज हो गया, मेट्रो की टिकट मेरे पास ही, अब उसको वेट करना पड़ेगा। तो गाइस क्या हुआ कि राघव और बैंक चला गया पीछे मेट्रो से एकदम सेंटर कर गया और गेट हो गया बंद। मैं ऐसे लिफ्ट से वो मेरे से पहले आ गए पर वो मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं उनसे बात के इसके अंदर चढ़ गया मेट्रो के और गेट हो गया बंद, वो दोनों आ गए पीछे। क्या करेंगे तो अब आएंगे पीछे वाली मेट्रो में, तो वेट करते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, वेट करते हैं देखते हैं कितनी देर में आएंगे वो। अभी मेट्रो का टाइम दिखा रहा है 4 मिनट तक आएगी अगली मेट्रो, उसके वेट करते हैं। मेट्रो तो आ गई है गाइस, अब देखते हैं कहाँ से उतरेंगे वो दो जम्मू रे। मेट्रो तो आ गई गाइस, देखते हैं क्या होता है। कहाँ से आते हैं, इधर से एक उधर से, कहाँ है अपने दो बंदे, कहाँ गए हो गए। ओरे 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 पीछे रह गए। चलो चलते हैं उनसे मिलते हैं कि क्या हो गया था गाइस। मेरे को लगता है वो फोन करेंगे, अब आप देख सकते हो और पीछे भी टाइम लग रहे क्या हो गया था बताओ तो सही क्या हुआ था।
गाइस यहाँ पे हमने शॉपिंग भी कर ली, प्रोडक्ट एक ये क्या कहते हैं इसको चेन लिया एक ये, और एक ये ब्रेसलेट लिया, वेंकी ने भी चेन लिया बट डिफरेंट था बस। मैं इधर वो कुछ चीज देखूँ, चल दिखाता हूँ। ये हो गाइस क्या हो रहा है, ये वॉशरूम तो क्या कर रहा है तू क्या चीज़। सो गाइस नाउ इट्स डन फ्रॉम हियर ऑल थिंग, लाइक दिस टाइम चर्च स्ट्रीट वाज बोरिंग, अब ये भी हो सकता है क्योंकि अपन इतनी बार आ गए, बहुत बार आ चुके हैं इसलिए ऐसा तो बोरिंग लग रहा है। अपन मेन प्लान था कि इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे बट टाइम कम था हमारे पास, तो नेक्स्ट वीकेंड ही देख पाएंगे, पर वेंटी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि ये प्रैक्टिकल के बाद सीधा घर चला जाएगा। मैं बोला इसको, मैं कहा रुक जा यार, जूनियर जाएंगे, कॉलेज में भी हेल्प करनी है तीन नाम को, पर नहीं सुनता यार, कॉलेज के बारे में सोचता ही नहीं हमारा भाई, बताओ यार इसको कुछ। भाई वेंकी को भी एक बंदा मिला, मलयाली बंदा था, और उसे इसको आगे कहता है कि तुमको मलयाली आती है, मैं कहा नहीं आती, सबको पूछ रहा है कि आती है कि नहीं आती मलयालम, मैं कहा नहीं आती भैया। तो फिर उसके बाद कहता है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, तुमको मलयालम आती है बट तुम लोग जानते नहीं हो कर रहे हो। तो फिर इसने पूछा कि तमिल तेरी माँ तमिल आती है आपको, तुमने क्या बोला, वो बोलता है कि थोड़ी थोड़ी आती है, बोलता आपको मलयालम समझ आ जाएगी, मैंने बोला हाँ आ जाएगी, बोलो जो बोलना बोल बताओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट हेल्प होगी रही है, बंदा को देखने में इनोसेंट सा लग रहा था, लेकिन मेरे को इतना तो पता चल गया जब पास आया उसकी मुझे स्मेल आई कि उसने ड्रिंक कर रखी है, ठीक है। तो फिर मेरे को आके बोलता कि मेरे पास आके बोलता, कान में आके बोलता कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे को, और 50 रुपये चाहिए। मैं बोला क्या हो क्या, पहले तो बोलता कि मैंने गाँव जाना 50 रुपये चाहिए, तो मैं बोला गाँव के जाने के लिए 50 रुपये में क्या करोगे, तो बोलता नहीं गाँव जाने के लिए तो पैसे मेरे पास हैं, चॉकलेट शेक। हाँ जी पहुंच गए जी, ओमा सांगरा पहुंच गए हैं, अब यहाँ से लेंगे ऑटो। गाइस हैव रीच्ड एट आवर लोकेशन, फाइनली हम लोग निकले थे 2 बजे एग्जैक्टली राइट, अब बज रहे हैं 11 रात के 11, कितने घंटे बाद में 9 घंटे लग गए। और क्या घूमे कहाँ है तू ये बता सर, इतना सा कब्बन पर घूमे वो भी पूरा नहीं घूम पाए, आधे घंटे में क्या घूमेगा भाई तू, आधे घंटे में कब्बन पर 5:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं, 6 बजे ट्रैवल का टाइम सबसे ज्यादा निकल जाता है इसमें, बैंगलोर का ट्रैफिक गाइस क्या करें। बाकी इस बार का जो ब्लॉग है कुछ थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करी है, होप यू विल लाइक इट। सो समझो कि गाइस कि ना हम 9 घंटे बाहर रहे, 6 घंटे तो हमने ट्रैवल किया एग्जैक्टली, और 3 घंटा भी नहीं मुश्किल से 2 घंटा हम घूमे हैं, उसमें आधा घंटा कब्बन पार्क बाकी का जो था मैजेस्टिक में, बस वहां पे घूमे थे एमजी रोड घूमे थे और क्या था, और कुछ नहीं था। चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी।